हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर होंगे। मैं अंजलि गिरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजी क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देखेंगे और बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके जन्म स्थल था लुम्बिनी के कपिल वस्तु, जो कि वर्तमान समय में रुम्मनी देई कहलाता है। यह नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम सुद्योधन था। सुद्योधन शाक्यों के राज कपिल वस्तु के शासक थे तथा गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था, जो कि कोलिया गणराज्य की थी। परंतु गौतम बुद्ध का पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी, इनकी मौसी थी, उनके द्वारा किया गया था, क्योंकि गौतम बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह के बाद ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही कोलिया वंश की राजकुमारी यशोधरा से हो गई थी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। जिससे इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई उनका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था तथा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने जब अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह का त्याग किया, उसे बौद्ध परंपरा में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसी दिन से बुद्ध कहलाए तथा महात्मा बुद्ध को गया, बोध गया, जो कि बिहार में स्थित है, वहीं उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ था, जो कि निरंजना नदी के तट पर स्थित है, और इन्हें वट वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, तथा इनका जो धर्म प्रचार का स्थल था वो था अंग, मगध, काशी, मल, वज्जी, शाक्य, कोसल, ये सभी इनके धर्म प्रचार का स्थल है। तथा गौतम बुद्ध के जीवन का अंत, मृत्यु कब हुआ, तो 883 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के ही दिन कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ, जिसे कि हम बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के बारे में। बचपन से ही गौतम बुद्ध का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था तथा 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने घर का त्याग कर दिया। गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वाकर भिक्षुओं के वस्त्र को धारण कर लिया। 7 वर्षों तक भटकते रहने तथा 6 वर्षों की तपस्या के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम गए। जो ये अलार कलाम थे वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, इन्हीं के आश्रम में सबसे पहले गए थे। इसके उपरांत वे उरुवेला, बोध गया को उरुवेला भी कहते हैं, के लिए प्रस्थान किए, जहां उन्हें कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले थे। यानी कि बोध गया में उन्हें कौंडिन्य नाम के एक साधु थे, उनके साथ ही साथ 5 और साधक मिले थे, साधु मिले थे। तथा 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी, जिसे कि निरंजना नदी कहते हैं, के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब हम देखते हैं गौतम बुद्ध के उपदेश के बारे में। तो गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिया था। महापरिनिर्वाण उरुवेला से बुद्ध सारनाथ आए। उरुवेला, जिसे कि बोध गया कहते हैं, बोध गया से बुद्ध सारनाथ आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तप्पस एवं मल्लिक नामक 2 क्षुद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। तप्पस और मल्लिक नामक 2 क्षुद्रों को सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कोसल देश के राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र भी बनाया था। यानी कि भगवान बुद्ध ने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया तथा मगध उनके प्रचार का केंद्र था। उनके धर्म का प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष आदि का कोई भी भेदभाव नहीं रहता था। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनगर पहुंचे, जो कि हिरणवती नदी के तट पर स्थित है, जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध परंपरा में मृत्यु को, जीवन के अंत को महापरिनिर्वाण कहा जाता है।
मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिवारजक सुबद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबद्ध को दिया था जो कि कुशीनगर के परिवारजक थे। बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति महापरिनिर्वाण तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म, आइए अब हम जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले ही हुई थी। यह संसार का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। बौद्ध धर्म संसार का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसे मानवीय धर्म भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ईश्वर की नहीं बल्कि मानव को महत्व दिया जाता है। बौद्ध धर्म में मानव को प्रेफरेंस दिया जाता है, ईश्वर को नहीं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी अनात्मवादी है, अर्थात इसमें ईश्वर और आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है, किंतु इसमें पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को माना गया है कि आदमियों की मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म होता है, परंतु इसमें ईश्वर और आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म में ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति भौतिक और मानसिक तत्वों के पांच स्कंदों से निर्मित है। ये पांच स्कंद है रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इन्हीं चीजों से निर्मित व्यक्ति है। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है और लोग केवल इच्छा और लालसा के कारण दुख को पाते हैं। गौतम बुद्ध ने दुख की निर्वृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया। बौद्ध धर्म के तीन अंग त्रिरत्न। त्रिरत्न बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। इन तीन रत्नों पर ही बौद्ध धर्म आधारित है। वो है बुद्ध, धम्म, संघ। ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है और लोग केवल अपनी इच्छा और लालसा के कारण दुख को पाते हैं। महात्मा बुद्ध के चार आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसका आशय यह होता है कि संसार में दुख है, दुख मतलब संसार में दुख है, दुख समुदाय दुख के कारण है, दुख के निवारण है, दुख निरोध मतलब दुख के निवारण भी है, और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाने का बताया। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है, और दुख के निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। महात्मा बुद्ध के ये चार आर्य सत्य हैं। गौतम बुद्ध ने दुख की निर्वृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया। अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से हैं? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक कर्मांत, सम्यक वाक एवं सम्यक संकल्प। आर्य अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है। सभी मार्ग के आगे सम्यक शब्द जुड़ा हुआ है। इस सम्यक का अर्थ होता है अच्छा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि चार आर सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यह सम्यक दृष्टि, जिसका आशय होता है कि चार आर्य सत्य में हमें विश्वास करना चाहिए। सम्यक संकल्प, जिसका होता है कि मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। सम्यक वाक्य, सम्यक वाक मतलब कि हानिकारक बातों से बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। सम्यक कर्मांत, यानी कि झूठ कर्म, यानी कि हानिकारक कर्म नहीं करने चाहिए, गलत कर्म नहीं करने चाहिए, सही कर्म करने चाहिए। सम्यक समाधि, निर्वाण पाकर स्वयं की मुक्ति होना चाहिए, निर्वाण की प्राप्ति करनी चाहिए। सम्यक स्मृति, जिसका आशय होता है कि स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना चाहिए। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम मतलब अपने आप सुधरने की कोशिश करना चाहिए। सम्यक जीविका, कोई भी अस्पष्टता या अस्पष्टता, हानिकारक व्यापार नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से धन का अर्जन नहीं करना चाहिए। ये था गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। अगर इन मार्ग पर हम चलते हैं तो दुख से निर्वृत्ति की प्राप्ति होगी हमें। आइए आगे अब हम और कुछ जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति या लिंग भेदभाव के बिना प्रवेश कर सकता था। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग व कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, रीढ़ी, सैनिक और दासों के संघ में प्रवेश से वर्जित था। जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षु भिक्षुणियों धर्म वार्ता करते थे तो उन्हें उपोषत कहा जाता था। उपोषत किसे कहते थे? तो जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षु भिक्षुणियों धर्म वार्ता करते थे तो उन्हें उपोषत कहते थे। नेक्स्ट,
संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। संघ में प्रविष्टि को ही हम उपसंपदा कहते थे। गृहस्थ जीवन का त्याग प्रवज्या कहलाता था। प्रवज्या कहलाता था गृहस्थ जीवन का त्याग। प्रवज्या ग्रहण करने वाले को श्रमनेर कहते हैं। श्रमनेर किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उपसंपदा या भिक्षु पदा का अधिकारी बन जाता था। गृहस्थ जीवन में रहकर ही बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। उन व्यक्तियों को उपासक कहा जाता था जो गृहस्थ जीवन में रहकर ही बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध दैनिक प्रथाओं में बुद्ध शरणम गच्छामि धम्म शरणम गच्छामि का उच्चारण करते थे। बुद्ध के निर्वाण के 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। यह युग प्रवर्तक घटना सिद्ध हुई। अशोक ने अपने धर्म गुरुओं के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम और श्रीलंका में फैलाया और इसे विश्व धर्म का रूप दिया। महावीर के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिम्बिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। आइए अब हम जानते हैं बुद्ध के जीवन की घटनाओं को और उनके प्रतीक को। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को किसी न किसी प्रतीक से संबंधित किया गया है। गर्भ जिसे कि हाथी का प्रतीक दिया गया है, जन्म जिसका प्रतीक है कमल, यौवन जिसका प्रतीक है साढ़, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति जो कि उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था इसीलिए इनका प्रतीक है बोधि वृक्ष, गृह समाधि का प्रतीक है शेर, प्रथम प्रवचन का प्रतीक है चक्र, निर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। अब हम देखते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ समय बाद ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठ करने आदि के उद्देश्य से संगीति यानी कि सम्मेलन की प्रथा चल पड़ी। इन्हें धम्म संगति कहा जाता है। संगीति का अर्थ है साथ साथ गाना। लेकिन कुल बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी? तो कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो आइए इन हम चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति का समय काल है 483 ईसा पूर्व और ये किसके शासन काल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के थे के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। राजगृह सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इस प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुत पिटक में संकलित किया जाना। द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक 100 वर्षों के बाद हुआ था। कालाशोक के शासन काल में, कालाशोक शिशु नाग वंश से संबंधित थे, इन्हीं के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी और इसके अध्यक्ष से साबक मीर सर्व कामिनी जिनका नाम था। इस दूसरी बौद्ध संगीति का उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंघिक 2 भागों में बट गया। यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। तृतीय बौद्ध संगीति, तो तृतीय बौद्ध संगीति का समय काल है 251 ईसा पूर्व अशोक के समय काल में। अशोक मौर्य वंश से थे, इन्हीं के काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में और इसके अध्यक्ष थे मोगलिपुत्तिस। और इस तृतीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करना, बौद्ध धर्म में अस्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया, धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभी धम्म पिटक को जोड़ा गया। तृतीय बौद्ध संगीति में ही तीसरा पिटक, बौद्ध धर्म का तीसरा पिटक अभी धम्म पिटक का रचना हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति का समय है प्रथम शताब्दी, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है और इन्हीं के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, अश्वघोष के उपाध्यक्ष थे उस समय चतुर्थ बौद्ध संगीति के। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का उद्देश्य था बौद्ध धर्म के संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन। चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।